हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आई टी मॉइस। हमारे चैनल पे सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक ब्लॉग दिखाऊंगा। हम लोग उसको देसी ब्लॉग बोल सकते हैं, क्योंकि विलेज में हमारे पिताजी और माताजी क्या कर रहे हैं खेती में, उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो बहुत अच्छा लगेगा शायद, और पहला ब्लॉग होगा जो पहला ब्लॉग में आप लोगों को मैं अपने खेती में जो जो फसल हुआ है उसको कैसे तैयार कर रहे हैं, और मार्केटिंग करने के लिए मैं कैसे जा रहा हूं और पिताजी कैसे जा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो अच्छा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ब्लॉग और यूट्यूब के वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को भी शेयर कर देना सारे दोस्तों को, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हरियाली, और खेती में अभी बड़े पापा काम कर रहे हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, काओ ग्रेजिंग कर रहा है, तो देख लीजिए अच्छे से। और नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, पिताजी अभी तैयार कर रहे हैं इसको बांध करके, और अभी इसको लेंगे। ये रैटिस को मार्केट को लेना पड़ेगा, इसलिए अभी ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पे बने रहे, ठीक है। और माँ जी भी पास में बैठे हैं, थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। मैं तो हेल्प ज़्यादातर नहीं कर पाता हूँ, वीडियो के लिए तैयार करना पड़ता है। और नेक्स्ट है, माँ जी हेल्प तो करते हैं सारे दिन भर, पिताजी और माता जी अब खेत में काम करते हैं। देख लीजिए कैसे हेल्प कर रहे हैं माँ जी पिताजी को ये सारे तैयार करने में, ठीक है। और इसको बांधेंगे, मतलब उसको बाइंडिंग करेंगे अच्छे से। पिताजी अच्छे से काम कर रहे हैं, देखिए। और किसान के लड़का होके मुझे गर्व हो रहा है, क्योंकि किसान कितना परिश्रम करता है वो प्रैक्टिकली मैंने देखा है, ठीक है ना दोस्तों। तो पिताजी बहुत हार्ड वर्कर पर्सन है, और उनका जैसा हम काम नहीं कर पाएंगे, उनके जैसा फिजिकली हम वर्क नहीं कर पाएंगे, मेंटली वर्क कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पंप सेट लगा है, और यहाँ से पानी जा रहा है पौंड से, देख लीजिए कितना बड़ा सा पौंड है, यहाँ से पानी जा रहा है पंप से, पंप के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाइप लगा गया है, पिताजी आगे जा रहे हैं। और कुछ रैडिश चाहिए इसलिए जा रहे हैं खेत में, देखिए प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ अपने खेत में। पिताजी ऐसे ही काम करते रहते हैं दिन भर में, माँ जी भी ज़्यादातर उनको हेल्प करते हैं। ये कद्दू का पौधा है, देख लीजिए, ज़्यादा नहीं। और ये कुकुम्बर है, ठीक है। अच्छा सा नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये विलेज का माहौल, ऐसा माहौल ज़्यादातर टाउन में नहीं होता है। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है गाँव में रहने के लिए, और ज़्यादातर मैं खेती बाड़ी में ही अपना टाइम गुजारता हूँ। ये देख लीजिए, इतना अच्छा सा दिखाई दे रहा है कुकुम्बर का खेती। और दोस्तों देख लीजिए कितना हरियाली दिखाई दे रहा है। और टमाटर भी लगा गया था, लेकिन वो नष्ट हो गया। हमारा 2-3 गुंड में लगाया गया था, लेकिन पूरे के पूरे नष्ट हो गया, देख लीजिए दोस्तों। क्या करें, ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। और यहाँ पर कोलत, इसको हम बोलते हैं उड़िया में कोलत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। और ये देखो, बहुत अच्छा हरियाली आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ अपने गांव में ही ज़्यादातर मिलता है। और ये देखो ग्वाभा, अपने बारी में हमने लगाया है, मतलब मैं ही लगाया था, यहाँ पे फल आ गया है, बहुत अच्छा अच्छा फल भी मिलता है, देख लीजिए। आपको पसंद है क्या ग्वाभा, आपको पसंद है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे तो बहुत पसंद लगता है खाने के लिए, हमने ही उसको लगाया था, प्लांटेशन किए थे, बहुत साल हो गया दोस्तों। और देख लीजिए दोस्तों कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए दोस्तों, ये बहुत मीठी है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए बनाना का प्लांट, बनाना ये अपने जो ये कुकिंग के लिए होता है, ठीक है, ये कुकिंग के लिए बेहतर है। यहाँ पे और एक देखो, दो हमने आप लोगों को दिखाया, ऐसे ही ज़्यादातर हमने लगाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको अच्छा सा और बड़ा सा दिखाई दे रहा है एक बनाना, इसको उड़िया में हम कदली कांधी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुकुम्बर हमने
प्रोडक्शन करके लाए थे, कितना बड़ा बड़ा और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, आप लोग देख लीजिए। और ये हमने बास्केट में भरा था बहुत ज़्यादा। दोस्तों बताइए आपके एरिया में कितना कुकुम्बर का रेट हुआ है। रेडिश अभी तैयार हो गया, देख लीजिए पैकिंग कर दिया। और नेक्स्ट है, ये भी एक रेडिश का पैकेट है। और यहाँ पे पपैया देख लीजिए, बहुत मीठे मीठे पपैया हमारे खेती बाड़ी में तो हम लगाते हैं। और ये भी एक पेड़ है, ठीक है। देखो अभी हम तैयार कर दिए और इसको अच्छे से फिर से वो पैकिंग कर रहे हैं। देखो दोस्तों, पिताजी और माताजी लोडिंग कर रहे हैं साइकिल में, सारे जो हमारा सामान है, जो वेजिटेबल्स है, उसको हमने लोडिंग कर दिए हैं अपने साइकिल में, मतलब पिताजी के साइकिल में। अटलास का ये साइकिल है, उनको तो अच्छा लगता है लेकिन हम तो बाइक चलाते हैं। देखेंगे आगे हम बाइक में कैसे लोडिंग कर रहे हैं। देखो हमने कुकुम्बर को लोडिंग कर दिया, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, मैंने ऐसे ही लोडिंग करके उसको बांध दिया। और देख लीजिए दोस्तों, मैं अभी निकल गया मार्केट को। देख लीजिए दोस्तों, अच्छा सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन गांव का जो परिवेश है ना, बहुत सुकून मिलता है। किस किस दोस्तों ने गांव को मिस कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग बताइए। और हमारा वीडियो, ये ब्लॉग, देसी ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए। और हमने आगे जा रहे हैं अपने बाइक में। और साइड में देखो, ये धान का खेत है, नज़ारा तो काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे। और आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। पैडी फील्ड तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे ज़्यादातर वीडियो भी उसी रिलेटेड है। छोटा छोटा वीडियो मैंने क्लिप डाले हैं, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। देखो दोस्तों, हमने अभी मार्केट में आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो व्यापारी होते हैं या फिर जो व्यवसाय होते हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, फंका फंका दिखाई दे रहा है। ये पिताजी हमारे हैं। डियर फ्रेंड्स, मार्केट का ब्लॉग चाहिए तो हमको बताइए, मैं एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगा इस मार्केट में क्या क्या मिलता है और कितना प्राइस में मिलता है, ठीक है। ये देसी ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए।